हाय एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम CSR भी कहते हैं। इसको समझते हैं क्या होता है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट करते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसमें दो वर्ड्स है हमारे, कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम समझते हैं क्या होता है। वी आर वन इंडिविजुअल, हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, ठीक है, दिस इज हमारी ये फैमिली होती है। इस फैमिली में हम एक दूसरे की केयर करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं असिस्टेंस देते हैं, एक दूसरे के प्रति लाइक हार्टी रिलेशनशिप हमारे होते हैं। तो इन द सेम वे ये तो हमारी फैमिली होगी, उसके बाद में हमारे रिलेटिव्स आते हैं, उसके बाद में हमारी जनरल सोसाइटी होती है। तो हमारा हर रोज का हम मतलब डे टू डे लाइफ में वी से ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। तो हम कहीं ना कहीं हमें हमारी इस सोसाइटी में किसी लोगों से काम पड़ता है। देर आर सम पीपल हु आर वेरी नियर एंड डियर टू अस, कुछ हमारे जान पहचान वाले होते हैं, फिर फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, और बहुत सारे लोग जो लोग होते हैं जो शायद जिन्हें हम पहचानते भी नहीं है, ठीक है। इन सब लोगों से हमें काम पड़ता है। नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, वी कैन से। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम एक सोसाइटी का पार्ट है, हम एक इंडिविजुअल है और हम एक सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी एक हमारा बड़ा यूनिट है, उस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो हमारी हर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, एज एन इंडिविजुअल, मान लो कोई ओल्ड पीपल है, उसे हेल्प की जरूरत है, तो हम उसको हेल्प करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कहीं पे हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है दिख रही है, तो हमें उसे हम यूज करें, हम उसको हम मे बी स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। कहीं पे पानी बहता हुआ दिखे तो हम उसको रोकने के लिए हम टैप ऑफ कर दें, ठीक है। या फिर हमें कुछ सोसाइटी में गलत होता हुआ दिखे तो हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं, हम पब्लिक प्लेस को गंदा ना करें, हम पब्लिक प्लेस को अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। तो या फिर हम लड़ाई झगड़े ना करें, हम गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं उनको फॉलो अप करें, रोड रूल्स फॉलो अप करें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल। हर चीज के लिए गवर्नमेंट एक लॉ नहीं बना सकती, गवर्नमेंट ये लॉ नहीं बना सकती कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी को देखे कि किसी को हेल्प की जरूरत है तो उसके लिए कोई लीगल रूल नहीं बना सकती। तो देर आर सर्टेन रूल्स, उन रूल्स को फॉलो करना भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आता है। और एज ए ह्यूमन बींग, हमें बचपन से जब वी आर डेवलपिंग, हमारे को कुछ हमारी वैल्यू सिस्टम होते हैं, हमारी एक इथिक्स होती है, इथिक्स होता है मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कुछ चीजों को हमारी सोसाइटी कहती है, जैसे इलीगल थिंग्स करना रॉन्ग है, लड़ाई झगड़े करना रॉन्ग है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना इज राइट, अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो वो रॉन्ग है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, उस सोसाइटी के प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट लॉस नहीं बना सकती। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो लॉ बने हैं उनको फॉलो करना, और जिस चीज के लिए लॉ नहीं बने हुए हैं उसको भी हमारी वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली, इथिक्स के अकॉर्डिंगली उस तरह का व्यवहार रखना को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। नाउ अब हम आते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अगेन हमने कहा एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी सोसाइटी के प्रति। जो हमारी जो बिजनेस यूनिट्स है जिनको हम कॉर्पोरेट्स कहते हैं, बिजनेस यूनिट्स कहते हैं, वो भी हमारी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। वो हमारी सोसाइटी में ही अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, वहीं पे उसी सोसाइटी से अपने लेबर फोर्स को लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, और से लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ वहीं से आता है। तो उस कॉर्पोरेट का, उस बिजनेस हाउस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज एन इंडिविजुअल जैसे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एज अ कॉर्पोरेट हाउस, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उस कॉर्पोरेट की भी, उस बिजनेस हाउस की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि वो इस सोसाइटी का पार्ट है, उसका उस सोसाइटी के प्रति कर्तव्य होता है, सोसाइटी के प्रति उसके जो वर्कर्स है उसके प्रति उसका कर्तव्य होता है, उसके जो शेयर होल्डर्स है उसके प्रति उसका कर्तव्य होता है, उसकी जो कंज्यूमर्स है उसके प्रति उसका कर्तव्य होता है, इन्वायरमेंट है हमारा उसके प्रति कर्तव्य होता है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को हम कहते हैं कॉर्पोरेट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। आजकल के ट्रेंड में बहुत कॉमन टर्म्स है और बहुत ज्यादा पॉपुलर टर्म। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेसेस टू बिहेव इथिकली एंड कॉन्ट्रीब्यूट, टू बिहेव इथिकली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट while improving the quality of life of workforce and their families as well as the local community and society at large. The corporate social responsibility का मतलब commitment by businesses. ये क्या है? Business का commitment है towards to behave ethically, moral sense of right and wrong. Ethically means जिस चीज के लिए कानून नहीं भी बना है then still हमने human beings से right and wrong की category में रखा है। तो इससे हम कहते हैं कि जो जो चीज हमें गलत लगती है जैसे लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करना इज रॉन्ग, तो हम अपनी एथिक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करें कि विच इज रॉन्ग, हमें वो नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक, बिजनेस हाउसेस बेसिकली क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है, हमारी पर कैपिटल इनकम को बढ़ाते हैं। तो दिस इज विच मींस दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एट द वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उनको करना ही करना है वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके साथ साथ उन्हें क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्कफोर्स को भी बढ़ाना है, उनकी फैमिलीज के क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाना है, उनकी फैमिलीज के लिए जो किया जा सकता है वो करना है, और एज अ लोकल कम्युनिटी मींस नॉट ओनली टू द वर्कफोर्स जो उनके यहाँ पे काम कर रही है, सिर्फ उनके प्रति ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोकल कम्युनिटी जो आसपास के और जो लोग हैं उनके लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सोसाइटी एज अ लार्ज सोसाइटी के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उन सारी चीजों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करना, या हम कह सकते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवाना, या फिर स्कूल ऐसे खुलवाना जिसमें वर्कर्स की फैमिली, वर्कफोर्स की फैमिली बढ़ सकती है, या फिर उनको डिस्काउंट देना अपने स्कूल में जहाँ पे उनकी फैमिलीज पढ़ती है स्कूल को, वो डिस्काउंट पे पढ़ाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आसपास के हमारे एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये हमारा पीएनजी की मुहिम थी रिगार्डिंग दिस अंडर प्रिविलेज पीपल। पीएनजी का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट को आप उस प्रोडक्ट से एक स्पेसिफाइड अमाउंट अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जाता है। तो दिस इज ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलिप कॉटलर ने एंड नैंसी ली ने कहा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया है अ कमिटमेंट टू इम्प्रूव कम्युनिटी। व्हाट इज इट? इट इज अ कमिटमेंट टू इम्प्रूव, कमिटमेंट टू इम्प्रूव कम्युनिटीज वेलबींग थ्रू कम्युनिटी की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी मीन्स अपनी मर्जी से बिजनेस प्रैक्टिसेस and contributions of corporate resources. Business houses ke paas, they are very financially very strong, so they can contribute towards this corporate resources ko wo society ke use ke liye use kar sakte hain. See, which means that when business organizations are earning so much of profit from the society, so they have, it is their responsibility to deliver back
some of the amount for the this upgradation of the society as well. World Business Council for Sustainable Development ने define किया है the continuing commitment. Continuing means it is not you have done it once और एक बार कर दिया और खत्म हो गया. एक business house से एक बार कुछ contributions दे दिया या एक बार उसने underprivileged के लिए काम कर लिया तो खत्म हो गया. It is a continued commitment. आपका ये एक regular commitment है कि आप इसको करते रहे. एक बार करने से हमारी social responsibility खत्म नहीं हो जाती है. तो continuing commitment by businesses to behave ethically and contribute sustainable and contribute ethically behave करना चाहिए and sustainable economy and contribute to sustainable economic development while improve sustainable economic development का मतलब होता है economic development. हमने पढ़ा कि business houses manufacturing units लगाते हैं, आप प्लांट्स लगाते हो, आप बिजनेस को किसी भी तरह का बिजनेस करते हो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो इट इज सर्कुलेशन ऑफ इनकम. हमारी जो बिजनेस साइकिल होती है वो घूमती है और हमारी इकोनॉमी बढ़ती है. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस हाउसेस को बिजनेस लगाना, फैक्ट्रीज लगाना ये जरूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए. सस्टेनेबल का मतलब होता है कि उसी में हमें इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए ताकि हम इस धरती को अपनी फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी संभाल के रख सके. वो भी इस फ्यूचर जेनरेशन को भी हम ऐसा धरती दे सके ताकि वो लोग भी इस धरती में रह सके. उसे हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है और हमारी जो अर्थ है, हमारी जो मदर इंडिया है, मदरलैंड हम कह सकते हैं, उसको भी हम इस तरीके से बचा के रखें ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसमें सस्टेन कर सके, वो भी उसमें रह सके. अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी इस धरती को इतना पोल्यूट कर देते हैं, हम वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जिस एयर पोल्यूशन करके इसको ऐसा बना देते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये धरती ऐसी हो जाए कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जिसमें सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो रह ही नहीं पाएगा, इतने पोल्यूशन में तो वो वैसे ही मर जाएगा. ठीक है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर जेनरेशन भी इस अर्थ में अपने को सस्टेन कर पाए. तो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेसेस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सस्टेनेबल होना चाहिए वाइल इम्प्रूविंग. उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कफोर्स. की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अच्छे से हमें उनको भी ऐसा एटमोसफेयर होना चाहिए कि वो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उनका वर्क एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उनकी स्किल्स, कैपेबिलिटीज, मोटिवेशन ये बढ़ाते रहना चाहिए. एंड ऑल्सो देयर फैमिलीज, बिकॉज दे आर ऑल्सो सस्टेनिंग एंड उनकी फैमिलीज उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी फैमिलीज के लिए भी हमें काम करना चाहिए एज वेल एज लोकल कम्युनिटी एंड सोसाइटी. इसके अलावा जो लोग उनसे रिलेटेड है उनके लिए तो करना ही चाहिए, उसके अलावा जो हमारी लोकल सोसाइटी है, आसपास के जो लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए एंड जनरल सोसाइटी के लिए भी हमें काम करना चाहिए. तो नाउ वी से कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी so that they have to contribute for the development of the society in terms of in every terms we can say ki hame workers ke liye kaam karna chahiye, shareholders ke liye kaam karna chahiye, general public ke liye kaam karna chahiye, underprivileged logon ke liye kaam karna chahiye. to jitna ek organization se ho sakta hai use apni social responsibility ko pura karna chahiye. तो अगर हम CSR को एक इक्वेशन की टर्म में कहें तो हमारी इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच मींस हमें अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना ही है क्योंकि हम बिजनेस हाउसेस हैं. हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज टू मेक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हमें कमाना ही है. उसके अलावा हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए
कानून बनाए हैं, हर बिजनेस हाउसेस के लिए कानून बनाया है, गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्मेलिटीज बनाई होती है, तो उन लीगल फॉर्मेलिटीज को हमें पूरा करना है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जो भी सही है, जिसे सही कहा जाता है और जिसे गलत कहा जाता है, अपार्ट फ्रॉम लीगल टर्म्स, हमें सही के सही सारे काम करने हैं। मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग हम इसे कहते हैं। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द मैनकाइंड, हमारी जो जनरल पब्लिक है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अपनी इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं तो इट इज इक्वलेंट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ देयर आर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारे वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स है, उनके प्रति हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स और ओनर। शेयर होल्डर्स और कॉलर्स ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रति एक बिजनेस हाउसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फेयर रिटर्न, शेयर होल्डर्स क्या करता है, अपने पैसे लगाता है एक बिजनेस में, तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पैसे दे, उनको फेयर रिटर्न देना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, उस प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए, उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो उनको फेयर मिलना चाहिए। सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, फेयर रिटर्न तो होना ही चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने जो अपना पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाया हुआ है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, वो आपका लाइक वो उनको जब चाहिए वापस वो उनको मिल सकते हैं, तो वो सेफ रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज वर्किंग एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, ट्रू इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, बैलेंस शीट दिखानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना होता है, हर साल उनको पब्लिश करना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना चाहिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी वर्किंग एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, सारी सही सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, फ्यूचर में क्या करने वाली है कंपनी इसके बारे में भी बताना चाहिए, प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लॉस का ग्रो है, सारी चीजें ट्रू पिक्चर उसको अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द वर्कर्स। वर्कर्स कौन होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो बिजनेस हाउस में काम कर रहे हैं, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस हाउस। फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड मीनिंगफुल वर्क, उनको जो काम देना चाहिए वो मीनिंगफुल, उनकी कैपेबिलिटीज उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उनको काम देना चाहिए, मीनिंगफुल वर्क उन्हें देना चाहिए, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं ग्रोथ के चांसेस देने चाहिए, उनकी स्किल्स अपग्रेड करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी गुड वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए ताकि वो एम्प्लॉइज के लिए हजारियस सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, अगर कोई हजारियस इंडस्ट्री है तो उसमें जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को लेने चाहिए, अगर कोई हजारियस इंडस्ट्री है तो इंडिविजुअल्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है, तो जितने भी सेफ्टी, तो गुड वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट कैलिबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सके। राइट्स एंड फेयर वेजेस, उनके जो राइट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें राइट्स देने चाहिए, जो राइट्स मीन्स अधिकार देने चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ उन्हें गलत लग रहा है तो उसके प्रति वो आवाज उठा पाए, ऐसे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनको सैलरी दी जा रही है, जो वेजेस दिए जा रहे हैं वो फेयर होने चाहिए। फेयर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है पे करने की उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम अनअवॉइडेबल इंजरी एंड इलनेसेस इन द वर्क प्लेस, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को जो अनअवॉइडेबल इंजरीज या इलनेस इन द वर्क प्लेस होता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहां पर काम ही ऐसा होता है जिसमें कुछ रिस्क होता है,
जिसमें कुछ हजार्ड होते हैं, तो उस तरह के सिचुएशन में एम्प्लॉयज को जो भी सेफ्टी मेजर होने चाहिए वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंसेस या फिर लाइफ इंश्योरेंसेस, इस तरह की चीजें प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टू एंगेज इन नेगोशिएशंस इन ऑर्डर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेनेवर एनी अराइज, व्हेनेवर दे अराइज, व्हिच मींस कि अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन वाली प्रोसीजर होनी चाहिए, जहां पर भी जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो एम्प्लॉयर को बैठ के नेगोशिएट करना चाहिए और सेटल डाउन करना चाहिए, ताकि म्यूचुअल कॉन्सेंस से कोई ऐसा रास्ता निकल पाए ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन्हें दूर किया जा सके। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, सरकार के प्रति या कम्युनिटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस की। पहला है ओबे द रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज बनाए हैं रिगार्डिंग दैट स्पेसिफाइड बिजनेस वो उन्हें फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉल्यूशन के लिए कोई रूल्स बनाया है या फिर उन्होंने जैसे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बनाया है तो उन सारे लॉज को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए। पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, जो बिजनेस हाउसेस होते हैं उन्हें टैक्सेस पे करने होते हैं तो टैक्सेस जो पे करने हैं वो रेगुलरली एंड ऑनेस्टली रेगुलरली पे करने चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनेस्टली पे करने चाहिए, विच मीन्स अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट अकाउंट जो आप बनाते हो वो ऑनेस्टली सही सही बनाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टैक्सेस पे करने चाहिए। अवॉइड मोनोपोलिस्टिक एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक होता है जिसमें हम अपना मोनोपोली बना लेते हैं या अपना उस बिजनेस पे अधिकार कर लेते हैं ताकि नेगोशिएशंस के चांसेस ना रहे या हम जिस प्राइस पे बेचना चाहते हैं उस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, इसके लिए अलग से एक लॉ बनाया हुआ है, तो उस तरह की सिचुएशंस को बिजनेस को नहीं डेवलप करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी टाइप ऑफ फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ब्राइब बाय इन्फ्लुएंसिंग देम, ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से ब्राइब नहीं करना चाहिए या फिर अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा अपने फेवर में कोई डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मजबूर नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर्स, जो हमारे कंज्यूमर्स है जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस हाउस। पहला है प्रोवाइड द राइट क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, जो आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी आप बना रहे हो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस होनी चाहिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी राइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा है रीजनेबल प्राइसेस, पहला है हमारा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस उसका राइट चार्ज करना चाहिए, आपको ओवर प्राइस अपने प्रोडक्ट को नहीं करना चाहिए, जो उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंगली बनता है उस पर वो चार्ज करना चाहिए। अवॉइड मिसलीडिंग कस्टमर्स विद इम्प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, अवॉइड मिसलीडिंग कस्टमर्स विद इम्प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर्स है जो कस्टमर्स है वो मिसलीड होके आपके प्रोडक्ट को परचेस कर ले और ऐसा एडवर्टीजमेंट आपको नहीं उसका पब्लिश करना चाहिए या आप जो प्रमोशन कर रहे हो उसमें एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग फॉर बीइंग हर्ड टू रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस, अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसको उस प्रोडक्ट में कोई ग्रीवेंसेस है प्रॉब्लम्स है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके और आपको भी लगे कि वो प्रॉब्लम उसकी जेन्युइन है, वो आपकी गलती की वजह से उसको लॉस हुआ है तो उसको उसको जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो अपनी तरफ से
रिफंड या फिर रिपेयरिंग या जो भी उस सिचुएशन में पॉसिबल है वैसा आपको प्रोवाइड करना चाहिए. अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स एंड डाइक्रेशन. अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होता है. ब्लैक मार्केटिंग मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट की स्केयर्सिटी दिखा के अपने प्रोडक्ट का प्राइस एनहांस कर लें, प्राइस ज्यादा चार्ज कर लें. गलत एडवर्टीजमेंट दिखा के आप लोगों से अपने प्रोडक्ट को बेचे या फिर मिलावटी सामान बेचे, ये आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी. हमने पढ़ा कि हमारा जो बिजनेस हाउस होता है वो सिर्फ वर्क फोर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, इनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. जनरल कम्युनिटी, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं एज अ जनरल, उसके प्रति भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस. एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, टॉक्सिन्स आ रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, डॉक्टर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें लगाना चाहिए. पोल्यूशन आ रहा है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स है उनको यूज करने चाहिए. हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उस वजह से हमें हम जो उसके लिए रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए वो हमें अपनी तरफ से लेने चाहिए. नेक्स्ट हमारा है टेकिंग स्टेप्स टू कंजर्व स्केयर रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स व्हेनेवर पॉसिबल. टेकिंग स्टेप्स टू कंजर्व, हमारे स्केयर्स रिसोर्सेज, हमारे रॉ मटेरियल्स जो कुछ होते हैं दे आर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी बनाए नहीं जा सकते या हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि कोल. नाउ ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर इन्हें हम खत्म कर देंगे या इसको हम एक्सप्लॉइट करके खत्म कर देंगे तो हमारे पास ये दोबारा से रिन्यू होने के लिए हमें थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ इयर्स लगते हैं. तो हमें जो हमारे रिसोर्स, जो स्केयर्स रिसोर्सेज है, उसके ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने चाहिए. उनकी जगह पे और क्या यूज किया जा सकता है, ऐसे हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके चीजें खोजनी चाहिए ताकि हमारे जो स्केयर्स रिसोर्सेस है उनको हम कंजर्व करके रख सके. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, जो एरियाज अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, हमें वहां पर जाकर अपनी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए या उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए वी कैन गिव सम फाइनेंशियल असिस्टेंस. हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके. मेकिंग अ पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल कॉजेस लाइक द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल. जो हमारे सोशल कॉजेस है उन कॉजेस को खत्म करने के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए. इट कैन बी फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी से हम काम वाला कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं. तो हमें अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जो हमारे सोशल कॉजेज होते हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए. हम स्कूल्स बनवा सकते हैं या हम स्कूल्स में कुछ लोगों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनको स्कूल में जिनकी हम एजुकेशन को फाइनेंस कर रहे हैं. पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एक बिजनेस का काम ये भी होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा होगा. एंड नो पार्टिसिपेशन इन एंटी सोशल एक्टिविटीज. जो भी हमारी सोसाइटी एंटी सोशल एक्टिविटीज है उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसका पार्ट हमें नहीं बनना चाहिए. एंटी सोशल एक्टिविटीज मीन्स वो एक्टिविटीज जो कि हमारी सोसाइटीज को हार्म पहुंचाती है. तो दीज आर द हमारे जो सी एस आर है वो इन सारे ये जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इनके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा इट इज फॉर द जनरल पब्लिक ऑल्सो, कम्युनिटी ऑल्सो, जिसके प्रति तो
विच इज की हमारा जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट हैज अ वाइड होराइजन. मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एडल्टरेटेड गुड्स, अगर हम मिलावटी सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं तो ये हमारा अनसोशल या सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर हम कहेंगे इसे. मेकिंग डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, गलत एडवर्टीजमेंट हम बना रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को पोर्ट्रे गलत तरीके से कर रहे हैं, उसे हम अनडिजायरेबल बिहेवियर कहेंगे. नॉट पेइंग टैक्सेस, टीम्स हम अपने टैक्सेस को पे नहीं कर रहे हैं या हम राइट टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, हमारा टैक्सेस हमें ज्यादा पे करना चाहिए, हम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट बुक्स को, ये कम टैक्सेस पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, अनडिजायरेबल बिहेवियर हम कहेंगे. इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, वो भी एक अनडिजायरेबल बिहेवियर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. अगर हम वर्कर्स को एक्सप्लॉइटिंग द वर्कफोर्स, देन इट इज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर. एंड अगर हम वर्किंग कंडीशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द वर्कर्स, देन अगेन वी विल से कि दीज आर ऑल अनडिजायरेबल बिहेवियर्स विच ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट फॉलो. नाउ होपफुली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स एज वेल. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर. थैंक यू.